नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आइए, आज आपकी कक्षा 9वीं में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी व्याकरण से अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद को हम आज जानेंगे। वाक्य के बारे में आप सब जानते हैं, शब्दों के प्रयोग से वाक्य का निर्माण होता है जिसका कोई अर्थ निश्चित हो, अर्थात शब्द के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। आप सब वाक्य बोलते हैं, चाहे लिखित हो या मौखिक हो। इस प्रकार से शब्द के सार्थक समूह जो व्यवस्थित व्याकरणिक दृष्टि से व्यवस्थित हो वह वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य होते हैं कर्ता और विधेय होता है क्रिया। उद्देश्य के कुछ उदाहरण है, जैसे बालक खेलता है, बछड़ा दूध पीता है, अमित आज उदास है। इसमें बालक, बछड़ा और अमित करने वाला है, अर्थात यही उद्देश्य हुआ। विधेय के कुछ उदाहरण है, राम मैदान में खेलने जा रहा था, माँ रो रही है, क्रिया हो रहा है यहाँ पर, हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी, तो आग लगाना यहाँ पर क्रिया है, तो इस प्रकार से यह विधेय हुआ। वाक्य के दो भेद होते हैं, पहला रचना के आधार पर वाक्य, दूसरा अर्थ के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के तीन प्रकार है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य वह वाक्य जिसमें एक कर्ता हो, रवि ने स्नान किया था, पानी बरस रहा था, अमन पुस्तक पढ़ रहा था, ये सरल वाक्य है, इसको साधारण वाक्य भी कहते हैं। दूसरा संयुक्त वाक्य, एक मुख्य वाक्य के साथ दूसरा उपवाक्य जुड़ा होता है जिसको और या से जोड़ते हैं, जैसे रमा पढ़ रही है और तुम खेल रही हो, यहाँ आप रह सकते हैं या आपका भाई रह सकता है, ऐसे संयुक्त कर दिया गया है वाक्यों को। तीसरा आता है मिश्र वाक्य, उसने कहा कि वह बाजार से सब्जी लाएगी, एक मुख्य वाक्य के साथ अन्य उपवाक्य जुड़े होते हैं जिसका दोनों का विशेष संबंध होता है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ये वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। आइए अब जानते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार हैं। पहला विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा आज्ञावाचक, पांचवा विस्मयवाचक या विस्मयबोधक भी बोलते हैं, छठवा संदेहवाचक, सातवा इच्छावाचक और आठवा संकेतवाचक वाक्य। इस प्रकार से यहाँ पर 8 अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। पहला विधानवाचक वाक्य, विधान अर्थात नियम जो निश्चित होते हैं ये विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं, जैसे सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है। अब यह विधानवाचक वाक्य इसलिए है क्योंकि यह निश्चित है, छात्राएं काम कर रही है, इसमें कार्य करने का बोध हो रहा है, छात्राएं काम कर रही है इसका बोध हो रहा है, ये विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। दूसरा निषेध, निषेध का अर्थ होता है नहीं, जिसमें नहीं कार्य के नहीं होने का बोध हो, ऐसे वाक्य निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं, जैसे मैं आज नहीं पढ़ूंगा, इसमें नहीं कार्य के न होने का बोध हो रहा है, तुम विद्यालय मत जाओ, यहाँ पर नहीं जाने का बोध हो रहा है, इस प्रकार से यह निषेधवाचक वाक्य है। मैं यह खाना नहीं खाऊंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे बहुत सारे वाक्य हो सकते हैं। तीसरा आता है प्रश्नवाचक वाक्य, आपके पाठ्यपुस्तक में अधिक मिलते हैं, जैसे आप जिसमें कोई प्रश्न पूछा गया हो या प्रश्न किया गया हो, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ रहते हो, क्या करीम पढ़ रहा है, ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। चौथा आता है आज्ञावाचक वाक्य, तुम कार से बाहर निकल जाओ, तुम यहाँ पर बैठो, मुझे एक गिलास पानी दो, इसमें आज्ञा देने का बोध हो रहा है, इस प्रकार यह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है, जैसे आप यहाँ
आप खड़े हो जाइए, आप यहाँ से चले जाइए, ऐसे हम वाक्य प्रयोग करते हैं तो ये आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। पांचवा आता है विस्मय बोधक, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जिस वाक्य में विस्मय का बोध हो वह विस्मय बोधक वाक्य कहलाता है। जैसे वाह तुम बहुत अच्छा खेले, वाह तुमने अच्छा काम किया, वाह तुम्हारा अच्छा अंक आया, हाय मैं तो गिर गया, हाय राम यह क्या हो गया। अर्थात ऐसे वाक्य जिसमें विस्मय हो, आश्चर्यचकित भाव हो, वह विस्मय बोधक वाक्य कहलाता है। आगे देखते हैं संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में संदेह व्यक्त किया गया हो संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। शायद मैं पास हो जाऊं, शायद वह कल आए, अब तक गाड़ी पहुंच चुकी होगी, ऐसा हम संदेह या संभावना व्यक्त करते हैं, ये संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। सातवां देखते हैं इच्छा बोधक वाक्य। जिसमें इच्छा किया गया हो, किसी के लिए इच्छा किया गया हो या स्वयं के लिए भी इच्छा किया गया हो, जैसे आपकी यात्रा शुभ हो, दीर्घायु हो, तुम पास हो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो, ऐसे हम किसी के लिए इच्छा व्यक्त करते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में इच्छा व्यक्त किया जाता है, ऐसे वाक्य इच्छा बोधक वाक्य कहलाते हैं। अंतिम संकेत वाचक वाक्य, वर्षा होती तो हरियाली होती। अब यहाँ पर संकेत स्पष्ट किया गया है कि यदि वर्षा होगी तभी हरियाली होगी, यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, यदि तुम जल्दी आते तो तुम डांट नहीं खाते, ऐसे यहाँ पर संकेत दिया जाता है। इस प्रकार के वाक्य संकेत वाचक वाक्य कहलाते हैं। इस प्रकार से वाक्य अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार के होते हैं। आशा करता हूँ कि आपको अर्थ की दृष्टि से वाक्य के जो भेद है वह बहुत अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि इस सत्र में CBSE के माध्यम से अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद को नए विषय के रूप में आपके व्याकरण खंड में जोड़ा गया है। अब ये 8 प्रकार आपके वाक्य के अर्थ की दृष्टि से। अब अभ्यास कार्य, अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालकर इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। वाक्य की परिभाषा लिखिए। प्रश्न दूसरा, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकारों का वर्णन करते हुए उदाहरण भी लिखना है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको वह अर्थ की दृष्टि से वाक्य के जो 8 भेद है वह उदाहरण के साथ अच्छे से समझ आया होगा। आप अपनी अभ्यास पुस्तिका, अपने अभ्यास पुस्तिका में अपने अभ्यास कार्य पूर्ण करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।